हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आके बदर वक्त। कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में इधर मेरी बन रही है चाय, इधर बन रही है मेरी मैगी। अभी मैंने मैगी में मसाला वगैरह नहीं डाला है, तो चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। पता नहीं धीरे बोल रही हूँ या फिर तेज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे कान पूरे बंद हो रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, और अभी शाम हो गई। मैं इसी को डॉक्टर के पास लेके आऊँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये डॉक्टर के कैबिन में इतने लोग बैठे हैं जिनके पेपर अंदर जमा हुए हैं, और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ ये काफ़ी अच्छे बच्चों के डॉक्टर हैं, इसे तो इनकी दवाई अच्छे से खा भी लेता है, और कहीं दिखाती हूँ तो उल्टी कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ, अभी ऊपर आई हूँ। मतलब मैं गई थी बाहर इशित को लेके डॉक्टर के पास। इशित काफ़ी ज़्यादा बीमार था, दो दिन तो पहले इसको जुकाम और बुखार ही सिर्फ रहा है। कल शाम बिल्ली आई है, कल शाम के बाद से वो बहुत ज़्यादा लार गिरा रहा था, पूरा टी शर्ट वगैरह आगे गीली हो रखी थी। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने इसके मुंह में भी देखा तो मुझे छाले वगैरह नहीं दिखे, लेकिन मैंने सोचा दिखा लूँ पता नहीं क्या है। तो आज मैंने दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने एक स्टिक जैसी रहती है अंदर डाल के देखा, तो उसके गले में यहाँ सब छाले, बहुत बड़े बड़े छाले निकले, इसीलिए वो लार नहीं गटक पा रहा। इवन कुछ पानी खिलाओ, पानी मतलब पिलाओ या कुछ खाने के लिए खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो नहीं खा रहा है, क्योंकि उसके गले में हो रखा है पेन। तो अभी मैं उसको दिखा के डॉक्टर उसको ले कर आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं वीडियो आगे बना लूँ। और मेरा फीवर, मतलब मुझे फीवर नहीं हो रहा है, लेकिन कोल्ड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मतलब इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि मुझे उल्टी भी हो जाती है। तो मैं तो अपना घरेलू ही सब चीज़ें कर रही हूँ, स्टीम वगैरह, विक्स और हल्दी दूध, ये सब ले रही हूँ। और बस जल्दी से इशित सही हो जाए, क्योंकि इशित इस बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, रोता बहुत है, पूरे टाइम मेरे ही चिपका रहेगा उसको। पर उसको मतलब पूरे टाइम गले में पेन रहता है, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, पूरे टाइम बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीखता रहेगा। तो चलो मैं जा रही हूँ उसके पास नीचे, अभी वो नीचे है, मैं ऊपर आई थी कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। तो जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ उसको कि क्या कर रहा है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाय। और अभी मैं अपना रात का खाना बना रही हूँ। इधर मैंने कुकर में अपनी सब्ज़ी छौंक दी है, और ये मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, और थोड़ा बहुत पीछे की क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी, तो वो मैंने डाल दी हैं, वो आप लोग देख ही चुके होंगे। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो अभी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से मेरा कोल्ड नहीं गया है, और इसे भी लगभग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी उनको नोज़ी वगैरह आती है, मेडिसिन वो ले रहे हैं पूरे टाइम। मैं इनको तीनों टाइम दवा देती हूँ, और नाक में डालने के लिए स्प्रे वगैरह दिया था, वो भी मैं डालती हूँ, क्योंकि उनको भी नोज़ी आती है। तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग बना लूँ, और इतने दिनों से तबीयत नहीं सही थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था वीडियो वगैरह बनाने का। तो आज मैं बना रही हूँ, और मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में डे वन का दिखाया था कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या घूमे थे। तो अभी मैं इसमें आगे अपने सेकेंड डे की, कि हम लोग सेकेंड डे कहाँ घूमने गए थे, उसकी भी क्लिप्स ऐड कर दूंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे। वैसे तो मैं ज़्यादा घूमी नहीं थी, लेकिन जो मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत जहाँ भी गए वो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग कामाख्या टेम्पल गए थे, तो उसकी क्लिप आप लोग देख लीजिए, मैं डाल रही हूँ। चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, और हम निकले हैं घर से कामाख्या टेम्पल जाने के लिए, लेकिन हमें इससे पहले कैंटीन जाना था, बाबू के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था, थोड़ा बहुत अपने लिए लेना था। और मैं आ गई हूँ कैंटीन में, ये बाहर का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, ग्रीनरी थी, और हम चलते हैं अंदर। कैंटीन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और सामान बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, और जो हमें चाहिए था थोड़ा बहुत मतलब का मिल गया था, थोड़ा बहुत नहीं भी मिला था। ये रहा मेरा सामान लेने के लिए, मुझे दो तीन चीज़ें ही लेनी थी, लेकिन लेते लेते मेरा इतना सामान हो गया। और यहाँ पर बिलिंग, मैं काउंटर पे खड़ी हूँ, बिल कट रहा है। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, मतलब टेंपल काफ़ी दूर था, वहाँ से कम 60-70 किलोमीटर है, और ट्रैफिक में फंस गए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। मुश्किल से 4-5 किलोमीटर जाना था, जिस और हमें वहाँ पे उतने में पहुँचने में
डेढ़ से दो घंटे लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे गुवाहाटी में, मेन गुवाहाटी सिटी के अंदर की बात मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद हमें पैदल जाना होता है, तो हम जा रहे हैं पैदल। इशित पापा के पास हैं और ये दीदी हैं। मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा बना देती हूँ। मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स, और लाइन देखिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है। सब बोल रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इससे पीछे काफ़ी बड़े बड़े हॉल पड़े हैं, वहाँ से लाइन लगती है। तो पहले हम लोग वीआईपी पास से आने वाले थे, लेकिन दीदी बोली कि आज बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, तो एक घंटे के दर्शन हो जाएंगे। और ईशित को देखिए कैसे खेल रहा है गोदी में, इसको नीचे काफ़ी देर से गोदी में था तो ये नीचे के लिए बार बार रो रहा था, मैंने इसको गोदी में उतार दिया। देखिए पापा ने उठा लिया तो कैसे रो रहा है, और वीर इधर परेशान कर रहे हैं। मैं ईशित को लेके थोड़ी देर खड़ी हो गई, मैंने कहा ये परेशान कर रहा है। और एक घंटा करते 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 हम लोगों को लग गया काफ़ी ज़्यादा टाइम, बच्चे सारे परेशान हो रहे थे, ईशित भी आखिर में परेशान करने लगा था। वहाँ पे इतनी मतलब बैठने और गर्मी की कोई वो नहीं, देखिए एसी लगा हुआ है आगे जाके, एसी पूरे में एसी नहीं है, थोड़े में एसी भी लगा हुआ है। और लेकिन चार घंटे लग गए थे। और ये है हमारा आसाम से वापस आने का वीडियो, मैंने थोड़ा सा बना लिया। हम हैं ट्रेन में और ईशित और हम कर रहे हैं मस्ती, पापा पता नहीं कहाँ हैं। और ये रहे ईशित, ईशित बाबा के साथ बाहर बैठे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। देखिए कैसे खेल रहा है, इसको बाहर बहुत मज़ा आती है। मैं भी ईशित को ऊपर लेके आ गई हूँ, पापा के पास नहीं रुक रहा था, लेकिन जो वो बेचारे इनको इतना घुमा रहे थे या कंधे पे बैठा के घुमा रहे थे, लेकिन ये इतना दुष्ट है, मुझे देख लिया रोने ही लगा। तो और मम्मी गई हैं वॉक करने, तो मैं नीचे अकेली थी, ऊपर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, आज यहाँ बादल है, तो मैं इनको ऊपर लेके आ गई। अब देखिए कैसे खेल रहे हैं। इसे ए बेटू, हेलो फ्रेंड्स, और आज हो गया नेक्स्ट डे। मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ और मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो का एंड भी कर दूँ, तो मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आप लोग देख लीजिए मेरी कचौड़ियाँ कितनी ज़्यादा फूली हुई बनी हुई हैं। और मैं अपनी वीडियो का यहीं से करूँगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।